आजादी के बाद भारतीय सेना ने जो युद्ध लड़े हैं उसमें सबसे बेमिसाल जंग की कहानियां हम आपको सुनाते हैं। और आज जिस जंग के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा टैंक बैटल था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमाओं को लांघते हुए लाहौर की ओर कूच कर दिया था, और जब पाकिस्तान ने भारत की सीमा लांघने की जुर्रत की तो वहां पर टैंकों की कब्रगाह बना दी। ये जो आज की कहानी है, वहां आप देखेंगे कि कैसे करगिल का विलन परवेज मुशर्रफ जब पहली बार कोशिश करता है भारत के खिलाफ आक्रमण करने की एक युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर, तो भारतीय पराक्रम का स्वाद कैसा उसे मिला। ये वो युद्ध है जहां भारतीय सेना ने वीर अब्दुल हमीद के मिसाल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया था। बात 1965 की, चीन के खिलाफ युद्ध से कमजोर पड़े हिंदुस्तान को पाकिस्तान एक मौके की तरह देख रहा था। पहले कच्छ के रण में उत्पात मचाया, फिर कश्मीर में घुसपैठ की, और सितंबर में ये लड़ाई पंजाब की सीमाओं तक पहुंच गई। जम्मू एंड कश्मीर में अपने एक ऑपरेशनल जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, उसको अंजाम देने की कोशिश करी। इस ऑपरेशन को भारत की फौज ने बहुत ही वीरता के साथ बुरी तरह इसको पधारा, और बहुत ही उनकी जो कोशिश थी पाकिस्तान की बिल्कुल नाकाम हुई। उसके तुरंत बाद उसने एक दूसरा हमला किया जो कि उसका इरादा था अखनूर को कैप्चर करने का, जिसको उसने कोडनेम दिया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसको भी भारत ने बहुत ही बुरी तरह से उसको नाकाम कर दिया। अब तक भारत का पेशेंस भी जवाब दे चुका था, तो भारत ने भी अब डिसाइड किया कि अब वो वापस पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, और इसके रहते भारत ने दो हमले किए। पहला अटैक किया भारत की वन कोर ने जो कि सियालकोट सेक्टर में था, और दूसरा हमला भारत ने किया लाहौर सेक्टर में अपनी 11 कोर के द्वारा। पाकिस्तान की प्रथम आर्मर्ड डिवीजन और 11वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 5 किलोमीटर तक भेद दिया और पंजाब के दक्षिण में स्थित सीमा से लगते खेमकरन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के प्रथम आर्मर्ड डिवीजन में अधिकतर अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, और अमेरिकी सेना के बाहर किसी भी दूसरे देश की सेना का ये सबसे एडवांस आर्मर्ड डिवीजन माना जाता था। वहीं भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के शर्मन और सेंचुरियन टैंक ही थे। लड़ाई शुरू होने से पहले जो सुना जाता था कि पैटर्न टैंक दुनिया का एक बेहतरीन टैंक है, जिसकी फायर पावर, मोबिलिटी और आर्मर प्रोटेक्शन सेंचुरियन टैंक से बहुत अच्छी है, लेकिन लड़ाई के दौरान ही हमें पता चला कि पैटर्न टैंक 800 मीटर की दूरी से सेंचुरियन टैंक के फ्रंट आर्मर प्लेट को पेंट्रेट करने में सक्षम नहीं है, और वहीं पर सेंचुरियन टैंक 1200 मीटर की दूरी से पैटर्न टैंक के फ्रंट आर्मर प्लेट को पेंट्रेट करने में सक्षम था। उस दौर में पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार थे, बढ़िया टैंक और ताकतवर तोपखाना था, यहां तक कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी पश्चिमी मोर्चे पर लगी थी। तो अगर पाकिस्तान को यहां हराना था तो रणनीति अचूक बनानी थी, और इसके लिए सबसे पहले भारत को आवश्यकता थी वक्त की। भारत ने खेमकरन के एक छोटे से गांव असल उत्तर में अपने डिफेंसेस लगाए। असल उत्तर का इलाका काफी प्लेन था, वहां काफी कॉटन और शुगर कैंस की फील्ड थी, जिसके कारण कुछ हिस्सा बोगी भी था। वहां आईबी के साथ कोई डिफेंस ओरिएंटेड बंद या नाला नहीं था, साथ ही सभी रोड अमृतसर के साथ वेल कनेक्टेड थी। इंडिया के लिए असल उत्तर को हर हाल में डिफेंड करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर असल उत्तर दुश्मन के हाथ में चला जाता तो अमृतसर को डिफेंड करना काफी मुश्किल होता। जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से पाकिस्तान ने तय किया कि उजाला होते ही वो आक्रमण कर देगा, लेकिन एक तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा भारतीय तोपखाना ताबड़तोड़ गोले दाग रहा था। भारत ने क्या किया कि एक रोज पहले जो वहां से होकर एक रूही नाला बहता है उसके पानी से आसपास की जमीन को थोड़ा दलदली कर दिया ताकि पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने में मुश्किल आए, और वही हुआ। जो चंद घंटों की देरी पाकिस्तानी आक्रमण की रही वो हमारी तैयारियों के लिए बहुत अहम साबित हुई।
दुनिया भर के इतिहासकार जो हैं ये मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे भीषण और घमासान जो टैंक वर्सेस टैंक युद्ध हुआ है वो बैटल ऑफ असल उत्तर में हुआ था, और इसके लिए पाकिस्तान ने उनका जो सबसे मजबूत वाला फोर्स था जो उनकी वन आर्मर डिप थी उसके द्वारा उन्होंने अटैक किया, जिसमें कम से कम उनके 220 बिल्कुल नए आधुनिक पैटर्न टैंक थे और तकरीबन 44 शाफी टैंक थे अलॉन्ग विद उनकी जो 11 इन्फेंट्री डिवीजन थी इसके साथ मिलके उन्होंने खेमकरण पे और फाइनली असल उत्तर पे हमला किया। भारत की ओर से भारी गोलाबारी जारी थी, लेकिन पाकिस्तान के चाफी टैंकों के 2 स्क्वाड्रन और पैटर्न का 1 स्क्वाड्रन आगे बढ़ने में कामयाब रहा। ये भारत की रक्षात्मक पंक्ति के 900 मीटर के दायरे में आ गया। आगे गन्ने के खेत थे जहां भारतीय टैंक फसल की आड़ में खड़े थे। जैसे ही दोनों स्क्वाड्रन ने चीमा विलेज को क्रॉस करा, वहां उन्होंने ये पाया कि वहां काफी थिक ओवरग्रोथ है गन्ने के खेतों की, जिसके कारण उनका ऑब्जर्वेशन कम हो चुका था। ये देखते हुए उन्होंने अपने कमांडेंट को रिप्लाई में दिया कि सर, यहाँ से दुश्मन के टैंक को ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एंड सेम दुश्मन भी हमको शायद ही स्पॉट कर पाए। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम कालब ने एक बहुत फेमस ट्रांसमिशन बनाया था जो कि ये था, इन स्ट्रेस वाली सिचुएशन में कोई भी जो अपना कामनेस को बनाए रखेगा एंड जितना लंबे टाइम तक अपना धैर्य को मेंटेन रखेगा, अंत में जीत उसी की होगी। इसलिए दुश्मन को ढूंढो, उसको एम करो, बर्बाद करो, भगवान तुम्हारे साथ है। भारतीय टैंकों ने 11 पाकिस्तानी पैटर्न को बर्बाद कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई में हमारे भी 4 टैंक नष्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान को वहां से पीछे हटना पड़ा। नजदीक ही मोर्चे पर 4th ग्रेनेडियर्स के जवान तैनात थे। पाकिस्तानी टैंकों के सामने लड़ने के लिए उनके पास थी एक जीप जिस पर फिट होती थी एक रिकॉयललेस बंदूक। गन्ने के खेतों की आड़ लेकर सभी सैनिक अपनी अपनी जीप में बैठे। इन्हीं में शामिल थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। एक जीप पर फिट की हुई एक RCL गन और इसका मुकाबला एक पैटर्न टैंक से। बारूदी ताकत के अनुसार अगर आप तुलना करें तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन इसकी एक खासियत थी पैटर्न टैंकों के ऊपर, वो ये कि ये तेजी से आगे पीछे हो सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी रफ्तार बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए इसमें बैठे हुए सैनिकों की चतुराई। वीर अब्दुल हमीद ऐसे ही एक सैनिक थे। गन्ने की फसल की आड़ लेते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन की टैंक की ओर मोड़ा, लेकिन टैंकों के सामने बंदूकों की सीमित शक्ति को देखते हुए दुश्मन के कम से कम 30 कदम की दूरी पर आने की प्रतीक्षा करना था। जैसे ही पहला टैंक करीब आया, अब्दुल हमीद ने अपने लोडर को गोला लोड करके फायर करने को कहा। टैंक में जोर का धमाका और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आग देखकर पीछे के 2 टैंकों में सवार पाकिस्तानी सैनिक कूद कूद कर भागने लगे, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर दोबारा तोपों की बमबारी शुरू हो गई। अब्दुल हमीद ने देखा कि एक बार फिर 3 पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे। उन्होंने फिर वही रणनीति अपनाई। नजदीक आते ही ऐसा निशाना लगाया कि दूसरा टैंक भी जल उठा और उसके पीछे के 2 टैंकों को छोड़कर पाकिस्तानी भाग गए। टैंक के मुकाबले जीप पे फिटेड रिकॉयललेस गन काफी वर्नेबल थी। जिस तरह टैंक क्रॉस कंट्री मूव, हाई रेट ऑफ फायर और आर्मर प्रोटेक्शन जैसी तकनीक से दुरुस्त था, वही जीप के ऊपर फिट रिकॉयललेस गन के पास लिमिटेड मोबिलिटी, लिमिटेड फायर पावर और ना के बराबर लोकल प्रोटेक्शन था। रिकॉयललेस गन का ये एडवांटेज था कि वो छोटी से छोटी जगह से आसानी से जा सकती थी और टैंक उसको स्पॉट नहीं कर पाता था, जिससे वो टैंक के ऊपर टारगेट कर उसको मारकर आसानी से कहीं भी आ जा सकती थी। उधर तीसरी कैवलरी के जवान भी पाकिस्तानी पैटर्न के छक्के छुड़ा रहे थे। कहने को तो भारत के पास दूसरे विश्व युद्ध के पुराने टैंक थे और पाकिस्तानियों के पास नए अमेरिकी पैटर्न, लेकिन वो पटखनी खाए जा रहा था। आमने सामने की जंग में
भारत के सेंचुरियन टैंकों ने 5 पैटर्न और 1 चाफी को कबाड़ में बदल दिया। जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो इसके लिए ट्रेन नहीं थे, उनको तो टैंक पकड़ा ही, ये सोचे कि पुराने टाइप ऑफ टैंक होगी, उनको पता नहीं लगा कि माय गॉड ये तो ऑटोमेटिक है सब कुछ। अब आप जानते हो कि अपने नॉर्मल जवान को आप ऑटोमेटिक मिजाज सिक्लेन पकड़ा देते हो तो फिर क्या होता है। पाकिस्तान को न केवल मात मिल रही थी बल्कि शर्मिंदगी भी उसके हिस्से आ रही, उसे एक और मोर्चे से पीछे हटना पड़ा। उस रोज भारतीय सैनिक बहुत उत्साहित, लेकिन उन्हें एहसास था कि यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे बटालियन का मुकाबला समूचे पाकिस्तानी ब्रिगेड से था।